पंचायत के मुखिया जी श्रीमती राजवाणी जी हमारे मुख्य अतिथि जी का अंग वस्त्र भूखे से स्वागत कर रही है। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। ये तो उनसे पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उनको इनवाइट किया था? इधर सभी को इनवाइट था, लेकिन जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पे सिर्फ बीजेपी के लोग थे, हम के लोग थे, लोजपा के लोग थे, लेकिन जदयू के कोई लोग तो थे नहीं। तो वो सवाल आप उनसे कीजिए कि वो क्यों नहीं थे। और बीजेपी में आशा है कि नरेंद्र मोदी में मुझे विश्वास है और उनकी तरह ईमानदारी से मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो उनमें आस्था रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ूँ और अपने पंचायत को आगे के ऊपर ले जाऊँ। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। अब मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मंगल पांडे जी आ चुके हैं। मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तरुण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं जो एक प्रत्याशी है, डॉक्टर तरुण जी को, विनय कुमार बाबू जी की माता जी। अब मैं राजकुमार पंडित जी जो ताजपुर पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष हैं, श्री हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील चौधरी जी को साथ लाएंगे। राजकुमार पंडित जी बढ़िया जोड़ा रहा है। आप लोग ताली बजाने लेकर दूसरी क्यों कर रहे हैं भाई? भाई अब मैं इस पंचायत के मुखिया जी श्रीमती राजवाणी जी हमारे मुख्य अतिथि जी का अंग वस्त्र भूखे से स्वागत कर रही है। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। बबलू जी, बबलू जी जो इस कार्यक्रम में व्यवस्था प्रमुख है, विनय कुमार बबलू जी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्र से। विनय कुमार बबलू जी
जनप्रतिनिधि मिलन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि बिहार सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जनप्रिय लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय मंगल पांडे जी मंचस्थ नीरज भरद्वाज जो लोजपा के जिला के महासचिव है वह भी मंच पर आने का कष्ट करे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अब तक इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादपुर बंगला पंचायत में और हमारे बीच में है मुखिया पति है मुरादपुर बंगला के विनय कुमार बबलू जी। बबलू जी, आपके यहां जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए हैं, तो आप यहां पे जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं जदयू को छोड़कर, आखिर क्या वजह है कि आप लोग अब जो है जदयू को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं अभी तक किसी पार्टी में नहीं था, काम सभी लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन जदयू का जो नेतृत्व है यहाँ, जदयू के प्रति था कि जदयू का नेतृत्व जो यहाँ जिनके हाथों में है वो लोग उसको अपना प्रॉपर्टी समझ लिए हैं, पब्लिक के काम से कोई लेना देना है नहीं। नीतीश जी क्या करेंगे उनका तो वो ही समझे। और बीजेपी में आशा है कि नरेंद्र मोदी में मुझे विश्वास है और उनकी तरह ईमानदारी से मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो उनमें आस्था रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ूँ और अपने पंचायत को आगे के ऊपर ले जाऊँ। जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पत्नी यहाँ पर मुखिया है और उसका कार्यकाल आप ही देख रहे हैं, चूँकि जिसकी पत्नी मुखिया होता है उसके पति ही लगभग उसका कार्यकाल देखते हैं, तो अभी तक आपके पंचायत में विकास विकास का काम स्टार्ट हो गया? हाँ लगभग, और आप देख लो बंगला ताजपुर प्रखंड में किसी भी पंचायत में हुआ ना हो, लेकिन जितना काम हमारे यहाँ हो रहा है शायद ही किसी पंचायत में हो रहा हो। सभी तरह के कामों को मेरे यहाँ प्राथमिकता दी गई और मैं अपने खुद में अपने मॉनिटरी में काम करवा रहा हूँ और खूब अच्छा काम हो रहा है। आप नहीं हो तो आप एक बार फिर मेरे पंचायत को घूमो और जनता से पूछो काम हो रही है कि नहीं हो रही है। जनतांत्रिक गठबंधन का जो यहाँ पे मिलन समारोह था जो कि आप स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है जदयू के कोई नेता दिखाई नहीं दिया, क्या वजह थी? आंतरिक कला है, यहाँ के जदयू के नेता बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं इसलिए कोई लोग यहाँ नहीं आए। उनकी मंत्री थे लेकिन हमारे ख्याल से नहीं लग रहा था कि जदयू के एक भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर थे। उन लोगों को शायद अपने आप पे ज्यादा विश्वास है कि हम बीजेपी से अलग रह के काम कर सकते हैं, ये तो उनसे पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उनको इन्वाइट किया था? एकदम सभी को इन्वाइट था, लेकिन जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पे सिर्फ बीजेपी के लोग थे, हम के लोग थे, लोजपा के लोग थे, लेकिन जदयू के कोई लोग तो थे नहीं। तो वही सवाल आप उनसे कीजिए कि वो क्यों नहीं थे। अच्छा एक चीज और, आपके ही मुखिया में एक मुखिया पति हैं भोला बिहारी जी, उनका डिमांड था यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे उनसे उनका ये डिमांड था, चूंकि हालांकि वो अपनी स्पीच उनसे पहले दिए थे लेकिन उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उन तक पहुँचाने के लिए, तो उनका डिमांड था कि भाई हम लोग तो वोट देने का दे देते हैं एमएलसी वगैरह को, लेकिन हम लोगों का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसमें हम लोगों को बाद में कोई पूछता नहीं, हम लोग को पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता, तो इसकी आवाज़ आप उठाएंगे ऊपर? जी बिल्कुल, उनकी आवाज़ से मैं सहमत हूँ, चूंकि अब मुखिया बने हैं 5 साल के लिए। अगर आप बोल रहे हैं ईमानदारी से काम को, ठीक है मैंने ईमानदारी से काम किया, 5 साल बाद हमें किसी वजह से या कुछ ऐसा कारण हुआ मैं हार गया, उसके बाद उस मुखिया का क्या होगा, खेत में जाके काम भी नहीं कर सकता है और यहाँ विधायक सांसदों को तो सम्मान मिलता है पेंशन मिलता है, मुखिया को क्या मिलता है? अगर वो ईमानदारी से काम करे या बाद में अगर उसको
रोड पे बैठ के भीख ही मांगना पड़े तो मुखिया गरीब ईमानदारी से क्यों करेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ईमानदारी से काम करने उसको प्रोत्साहन राशि मिले कि बाद में भी उसको ईमानदारी से काम किया है वो आगे भी करे और उसको बाद में भी हार जाने के बाद भी उसको थोड़ा कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो उनका तो मुद्दा ठीक ही था, 500 रुपये में वार्ड मेंबर और 2500 में मुखिया, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो क्या आप इसमें चला लोगे पंचायत? बिल्कुल। तो सरकार को बताना चाहिए भाई कैसे कैसे चले। तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो आप उनकी बातों का ऊपर पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हमें जहां भी मौका मिलेगा हम इस बात को उठाएंगे, ये हक है उनका, मिलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि 2500 में मुखिया पंचायत चलाए तो 2500 में 25 आप जैसे पत्रकार लोग और नेता लोग हैं तो 2500 रुपये में तो चाय भी हम नहीं पिला पाएंगे महीना में। तो आप तो खुद हमको बेईमान बना रहे हैं। तो ईमानदारी के लिए आप लोग ने बताइए कि हम लोग क्या करें, ये तो आपको सोचना है, और सरकार में रहेंगे तो आवाज जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ विनय जी बात कर रहे हैं, ये अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं और इनका कहना है कि जो भी हम लोगों के बीच का परेशानी होगी उसको हम लोग ऊपर तक उठाएंगे। दोस्तों हमारे बीच में बात कर रहे हैं विनय कुमार बबलू जी, जो कि यहाँ पर मुखिया पति हैं, राजमणि कुमारी यहाँ की मुखिया हैं, और उनके पति विनय कुमार उर्फ बबलू जी हैं, जो कि इस वक्त हमारे चैनल के बीच बात कर रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जनता की आवाज़ आप तक को, अगर आप तक अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा ले ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।